गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से आम आदमी पार्टी यहाँ पर जो है यहाँ पर राष्ट्रीय फ्लैग को लहराते हुए नजर आ रहे हो। सामने दिख रहा है इस वक्त राष्ट्रीय फ्लैग को, ये आम आदमी पार्टी का जो है ऑफिस कार्यालय श्रीनगर का और वाइस प्रेसिडेंट जो पार्टी के हैं दीपा मैम वो जो है यहाँ पर कि लोगों के लिए तो यूनिटी का ही मैसेज रहेगा। ये एक यूनिटी का साइन होता है, आप हर जगह जुड़े एक हैं, नेशनलिस्ट हैं आप, तो ये मेरा मैसेज रहेगा कि हम सब यूनाइटेड रहे। जो अभी हमारे यहाँ पे हालात चल रहे हैं, हर जगह दंगे हो रहे हैं, रिलीजियस चीज़ों पे सियासत हो रही है, बंटवारे हो रहे हैं, तो वो ना हो। अगर हम इंडियन हैं, नेशनलिस्ट हैं, तो हम हर एक पहलू पे एक क्यों ना हो जाए, हम रिलीजन की सियासत को क्यों ना छोड़े, हम उस चीज़ में भी क्यों ना एक हो जाए, हम एक रिलीजन लेके हम क्यों ऐसा कर रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सिख ये सब चीज़ें छोड़ के हमें एक होके सबको अपना रिलीजन कन्फेस प्रैक्टिस करने का मौका देना चाहिए, प्रोफेस करने का मौका देना चाहिए, तो उसी से हमारा देश आगे बढ़ सकता है। ये एक बहुत ही ज़रूरी मैसेज भी है, क्योंकि वही एक चीज़ है जो अभी इस हमारे स्टेट में, हमारे इंडिया में बंटवारे का एक मेन रीज़न बन रहा है, तो ये एक मेन मैसेज है। पूरे देशवासियों को आज इस दिन पे मुबारकबाद देते हैं और आपके वसादत से यही मैसेज हैं। मैसेज से पहले तो हम दुआ करते हैं कि ये दिन हमारे देश के लिए अमन, तरक्की और इत्तेहाद और यूनिटी का दिन साबित हो जाए। और आपके वसादत से हम ये मैसेज देते हैं कि जम्मू कश्मीर और जो रेस्ट ऑफ द कंट्री में हमारे लोग हैं, किसी भी धर्म से, किसी भी कम्युनिटी से लोग हैं, उन सबको एक होना बहुत ज़रूरी है। हमारे देश में दिन ब दिन बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, गरीबी बढ़ती जा रही है, तो अगर आज के डेट भी हम ये तय नहीं करेंगे कि जम्मू कश्मीर और जो रेस्ट ऑफ द कंट्री के लोग हैं वो एक नहीं हो जाएंगे, चाहे वो किसी भी धर्म से हैं, किसी भी मज़हब से हैं, तो आने वाले टाइम में हमें फिर बहुत ही मुश्किल देखने। लिहाजा मैं आपके वसादत से ये मैसेज देता हूँ सभी लोगों को कि हम सबको एक होना है और तभी जाके ये देश तरक्की और खुशहाली के ओर जाएगा। यही आम आदमी पार्टी का मैसेज है और कैंपेन है। अगर आपने देखा होगा, आम आदमी पार्टी का एक नेशनल लेवल कैंपेन चल रहा है, मेक इंडिया नंबर वन कैंपेन। उसका जो पहला पॉइंट है वो यही है कि हम सबको साथ लेके चलना है। ये हमारा मैसेज है।